आज के इस वीडियो में हम लोग करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी मैनिपुलेशन के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह कई कंट्रीज की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ये दोनों मिलकर उस कंट्री की करेंसी को मैनिपुलेट और डिवैल्यू कर देती हैं और उसका उस कंट्री में लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कभी न कभी हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं प्रिंट कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाए। पर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करने से उस कंट्री की करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी और उस करेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसके इफेक्ट में उस कंट्री में हर चीज बहुत ही महंगी हो जाएगी। पर अभी तक दो कंट्रीज वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था जिस वजह से इन दोनों कंट्री की करेंसी क्रैश कर गई थी, जहां वेनेजुएला में एक यूएस डॉलर के बदले 6 मिलियन बोलिवियर वेनेजुएलन करेंसी मिल रही थी और वहीं जिम्बाब्वे में तो कंडीशन और भी वर्स हो गई थी, जहां एक यूएस डॉलर की वैल्यू 35 क्वाड्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर हो गई थी और गवर्नमेंट को लिटरली 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की नोट प्रिंट करने पड़ गए थे। और उन जगहों पे कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि अगर किसी को वहाँ पे ब्रेड भी लेना होता था तो वहाँ पे लोगों को पैसों की पूरी गड्ढी ले जानी पड़ती थी। इस वजह से कोई भी कंट्री इस तरह अपने करेंसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकती और इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। सेंट्रल बैंक के पास नोट प्रिंट करने की एक लिमिट होती है जो एक तरह से उस कंट्री की जीडीपी यानी उस कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट और सर्विस उस ईयर में जनरेट या मैन्युफैक्चर हो रही है, सेंट्रल बैंक सिर्फ उतना ही नोट्स प्रिंट करेगी। करेंसी की डिवैल्यूएशन की शॉर्ट टर्म में असर नहीं दिखती या थोड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखती है, पर अगर इसका ओवर एक्सपोर्टेशन हुआ तो लॉन्ग टर्म में ये उस कंट्री के करेंसी को कोलैप्स करने का रीजन बन सकती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।